हाय गाइस, इट इज अ पार्ट टू वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और कुछ साइंटिस्ट के नाम देखे थे। और अब हम डिटेल में जानेंगे कि उन साइंटिस्ट का लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का तरीका क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट की बात आती है, उनका नाम है एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। इनका क्लासिफाई करने का तरीका क्या था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे क्लासिफाई किया प्लांट को। ट्री, श्रब्स एंड हर्ब, जो सबसे बड़े थे वो ट्री, उससे छोटे श्रब्स और उससे छोटे हर्ब्स। और इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया टू ग्रुप में, दोज हु हैव आरबीसी एंड दोज डू नॉट हैव आरबीसी। दोज हु हैव आरबीसी आर नोन एज एनिमा एंड दोज डू नॉट हैव आरबीसी आर नोन एज एनिमा। इट इज अ टू वे ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल। सो नाउ वी डिस्कस लीनियस। सो अब बात आती है दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम है लीनियस। इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। ही फॉर्म टू किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ प्लांटी एंड एनिमेलिया। पर इनके किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ डिमेरिट्स रह गए। वो डिमेरिट्स क्या थे? पहला डिमेरिट्स था, दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकेरियोट्स। नेक्स्ट, दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एंड लास्ट वन इज, दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटो सिंथेटिक एंड नॉन फोटो सिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक आर ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक आर फंजाई। फोटोसिंथेटिक आर दोज विच प्रिपेयर देयर फूड ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक विच फुलफिल देयर नीड ऑन द हेल्प ऑफ होस्ट। सो नाउ वी डिस्कस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। But these two are not given in NCERT, but I can explain you. Three kingdom classification was given by Ernst Haeckel and four kingdom classification was given by Copeland. So now we discuss a five kingdom classification was given by R.H. Whittaker. So अब बात करते हैं five kingdom system of classification which was given by R.H. Whittaker in which year? 1969. This date was given in NCERT. किंगडम डिफाइन बाय हिम वर नेम। जो इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया उसके नेम क्या क्या हैं? पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। और अब हम देखते हैं कुछ मेन क्राइटेरिया फॉर दिस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करने के पीछे कुछ क्राइटेरिया थे, वो क्राइटेरिया क्या थे? तो अब देखते हैं कौन कौन से मेन क्राइटेरिया थे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। पहला था जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा क्या है, चौथा है रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इट इज द फाइव वे ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सेल स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके बाद हम देखेंगे थ्री डोमेन सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और उसके बाद देखेंगे क्या ड्रॉबैक थे अर्लियर क्लासिफिकेशन के, बेनिफिट ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन
एंड फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया. सो आई होप यू गाइज लाइक. सो लेट्स सी. अब बात करते हैं डोमेन सिस्टम विच इज ऑल्सो किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें क्या है, पहले के किंगडम में टू डोमेन कवर हो जाते हैं एंड रेस्ट थर्ड डोमेन आर कम टूगेदर इन यूकेरियोट्स. किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट थर्ड डोमेन आर कम टूगेदर इन यूकेरियोट्स. सो नाउ वी डिस्कस सम ड्रॉबैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन. अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन. क्या था अर्लियर क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरिया बीजिए यानी कि ब्लू ग्रेन एल्गी फंजाई मोसेक फन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लेस इन प्लांटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर. अब बात करें सिल्वर की तो ये तो सारे भी सेम थे, लेकिन कुछ और कैरेक्टर थे जो डिफरेंट स्थापित करते थे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट के अंदर आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया जो कि इसके अंदर आता है यूकैरियोट्स के अंदर, और कुछ और डिफरेंट स्थापित थे जैसे कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. मल्टी सेलुलर के अंदर स्पायोगेरा और यूनिसेलुलर के अंदर क्लाइडोगेरास, इन दोनों में ही डिफरेंट थे बट बोथ हैव कम टुगेदर अंडर एल्गी. एंड फंजाई एंड ऑटोट्रॉफ कैन नॉट बी डिफरेंशिएट, क्योंकि फंजाई में जो सेलवॉल था वो काइटिन का था एंड ऑटोट्रॉफ प्लांट जो कि सेलुलोज सेलवॉल था. फंजाई आर नोन एज हेटरोट्रॉफ, इन दोनों में ही डिफरेंट सेलवॉल में डिफरेंट आ गया, मतलब फंजाई में काइटिन की सेलवॉल थी वहीं प्लांट में सेलुलोज की सेलवॉल थी. इसी के बेसिस पे फंजाई को हम किंगडम फंजाई में रखे और जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उसको किंगडम मोनेरा में रखे और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रखे. एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है जैसे कि क्लाइमेडोमोनास और क्लोलेरा जो कि प्रेजेंस ऑफ सेलवॉल के हिसाब से पहले के रखे गए थे प्लांट किंगडम के अंदर यानी एल्गी में, और पैरामीशियम और अमीबा जो कि एनिमल किंगडम के अंदर रखे गए थे, इन दोनों को ही प्रोटिस्टा में रखा गया. जैसे कि देखिए ये क्लासिफिकेशन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, समय के साथ साथ क्लासिफिकेशन केवल मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव पे ही इवॉल्व नहीं रह गया, ये इवॉल्व हुआ फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी पे बेसिस. सो उसको भी हम देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनेरा क्या होता है, फिर प्रोटिस्टा. इन सारों को डिस्कस करने के बाद लास्ट में तीन टॉपिक है वायरस वायराइड एंड प्रियॉन्स, उसको करके ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म करेंगे.